अलवर जिला कलेक्टर आनंदी ने एक पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया है। आपको बता दें कि कलेक्टर की इस कार्रवाई पर कर्मचारी यूनियन ने विरोध दर्ज कराया। इस संबंध में राजस्थान पटवार संघ और ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने बताया कि नावली गांव के कुछ लोग अपने रिश्तेदारी के यहां जा रहे थे। इस दौरान जिला कलेक्टर की ओर से सरकारी एडवाइजरी का पालन नहीं करवाने को लेकर पटवारी अमीचंद गुर्जर और ग्राम सेवक गफ्फार खान के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया। संघ का मानना है कि ये कार्रवाई अनुचित है। उनकी मांग है कि जिला कलेक्टर फिर से दोनों कर्मचारियों को बहाल करे। को ज्ञापन दिया गया, उसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी, जिलाध्यक्ष एवं साथी एवं जिला पटवार संघ के सदस्यों द्वारा मैडम से मांग की गई कि जो हमारे पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी को जो सस्पेंड किया गया है उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने अपना बेहतर काम कर रहे हैं। जैसा भी आप सबको पता है, मीडिया में भी पता है कि पटवारी और ग्राम सेवक ने जमीन स्तर पर ना कोई सुविधा है ना कुछ संसाधन है, उसके बावजूद अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश की है इस विपत्ति की घड़ी में। उसके उपरांत इस तरह के जो आदेश जो मैडम जी द्वारा दिए गए हैं उन्हें गलत है और निराशाजनक है। हताशित होते हैं हमारे नीचे के कर्मचारी। अब आप क्या मांगते हैं? हम मैडम जी से यही मांग की है कि इस तरह से जो उनको निरस्त आदेश किए हैं उनको निरस्त करने की कृपा करें, जिससे हमारे पटवारी भाई और ऊर्जावान होकर, हम चाहते हैं कि सभी, हमारा खुद का ये जिला है और सारी एक बेहतर से बेहतर काम करने के प्रयास कर रहे हैं, तो यही निवेदन किया गया कि मैडम जी आप इनको जो आदेश हुए हैं उनको निरस्त करने की कृपा करें। आश्वासन दिया मैडम? मैडम जी ने कहा कि जल्दी से इस पर कोशिश करेंगे कि आप काम करें और जल्दी से जल्दी निस्त